नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 13 अप्रैल गुरुवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में कि 13 अप्रैल गुरुवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा। साथ ही बात करेंगे आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, कितना हद तक भाग्य आपका साथ निभाएगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 13 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार, तिथि की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1:34 तक रहेगा। वहीं नक्षत्र की अगर बात करें तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज का अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात माने जाने वाले दिन के अशुभ समय की अगर बात करें तो 2:01 से 3:35 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस राहु काल के समयावधि में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें, नहीं तो कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य मेन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो 4:22 तक धनु राशि में रहेगा। इसके बाद धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, देखिए दोस्तों, चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर करने में आप सफल रहेंगी। जी हाँ, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में विशेष योगदान बना रहेगा, काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। जिस हिसाब से आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको सफलता भी मिलेगी। करियर को लेकर लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आपको लापरवाही नहीं करना है। नजदीकी दोस्त आज आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आज आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ऑनलाइन कामों में लापरवाही ना करें। बिजनेस में साझेदारी करते समय नुकसान और फायदे की स्थिति अच्छे से विचार करें। जी हाँ दोस्तों, कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, ये इस पर आपको जो है बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है जो कि तरक्की की जीत के लिए मददगार साबित हो सकती है। नौकरी में अपने टारगेट पाने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक विवाद चल रहा है तो आज आपका सुलझ जाएगा। जी हाँ, सारे फैसले दिमाग से लें, भावनाओं में आकर खुद का नुकसान करवा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, रुका हुआ पैसा आने या कोई काम होने से तनाव मुक्त रहेंगे। इस समय मौजूदा काम पूरे होंगे, भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं स्थगित रखें। मार्केटिंग के काम करने में पार्टनर की हेल्प लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों की मुश्किलें अभी बढ़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के अनुकूल नतीजे मिलने वाले हैं, जिससे मानसिक सुकून भी रहेगा। घर के वातावरण को अनुशासित और सुखद रखने के लिए किसी खास मतलब से आपका फैसला महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी गुस्से में आकर गलत फैसले भी ले सकती हैं। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। घर पर अचानक किसी रिश्तेदार से आ जाने से रूटीन जो है गड़बड़ा सकता है। जी हाँ, बिजनेस बढ़ने संबंधित कोई फैसले लेने से पहले शर्त जो है जानकारी जरूर हासिल कर लें। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी बिजनेस में बेहतरीन डील हो सकती है। सरकारी नौकरी लोगों को काम की जिम्मेदारी ज्यादा होने से तनाव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अनुशासित रहने से आप जल्द ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय जरूर बिताएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, आप खुशी और आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे।
स्टूडेंट पढ़ाई संबंधित अन्य मामलों में भी दिलचस्पी लेंगे। बैंक या निवेश संबंधी कामों में जो है गलतियां होने से झुंझुनाहट रह सकती है। बेहतर होगा कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी का मार्गदर्शन अवश्य ले लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। गलत कामों में दिलचस्पी लेने से मनहानि हो सकता है। जी हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कोई भी गलत काम इस समय आपको नहीं करना है। नौकरी या बिजनेस में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पार्टनर संबंधित बिजनेस में आपसी तोलमोल से जो है तरक्की मिल सकती है। अधिकारियों के साथ जो है संबंध खराब न होने दें, ऑफिशियल यात्रा इस समय हो सकती है। वही दोस्तों, व्यवसायिक दिनचर्या रहेगी, जो काम सोचेंगे उसे पूरा कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप एंजेस्टिक महसूस करेंगे, परिवार वालों की जरूरतें पूरी करने में आपका समय व्यतीत होगा। जी हाँ दोस्तों, निजी संपर्कों के जरिए से कोई मतलब पूरा हो सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में दिक्कतें रहेंगी, लेकिन अगर आप शांति रहेंगे तो सारी दिक्कतें अपने आप समाप्त हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में घबराएं नहीं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। गुस्से में कुछ भी बोलने से बचें, लड़ाई झगड़े की आशंका लग रही है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक बिजनेस में जुड़े काम सफल होंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होंगी। नया सीखने को मिलेगा, नौकरी पेशा लोग दबाव महसूस करेंगे। धीरज से काम लें, सभी काम आपके बनते जाएंगे। वही दोस्तों, यह समय फाइनेंस संबंधित रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय बहुत अच्छा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्रेम परिवार पर रहेगा। सामाजिक स्थल पर आपकी छवि अच्छी रहेगी। जी हाँ, समय अरमान न होने दें, बर्बाद ना करें, आलस्य को खुद पर न हावी होने दें। कोई दोस्त अपने मतलब के लिए आपसे संबंध खराब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी पर ज्यादा भरोसा करने से आज के दिन आपको बचना होगा। बिजनेस में नए जो है कॉन्टैक्ट होंगे, अपने नीचे काम करने वालों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट हासिल करने के लिए और मेहनत की जरूरत है। जी हाँ, अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय शादीशुदा जीवन में प्रेम रहेगा, परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, इससे संबंध और अधिक मजबूत होंगे। हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय मौजूदा नकारात्मक माहौल में सावधानी रखना उचित रहेगा। सेहत जो है नासाज है तो आयुर्वेदिक इलाज करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, बात करें शुभ रंग और शुभ अंक की, तो आज आपका शुभ रंग है गुलाबी कलर, शुभ अंक है 5। भाग्य साथ निभाएगा, तकरीबन